Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on income from salary. In the last lecture video, we have discussed some of the perquisites, that is benefits, and we have left some more benefits, so we are going to continue with this. Okay, so this is the first type of benefit, that is called leave travel concession, which cover under section 10.5. Leave travel concession, that means this type of benefit given by the employer to their employees for the family trip. Okay, so that means the employer giving some concession for the traveling with family or with anyone. So dekhiye yahan pe kya likha hua, that is any concession received by the employees for himself or his family for traveling to any place in India, is exempt to the extent amount spent, subject to the following conditions. See, the point here is जो भी concession provide कर कौन कर रहा है, यहाँ पर employee कर रहा है, किसको provide कर रहा है, वो employees को, right? किसके लिए कर रहा है, employees को या और साइड वैसे उसकी फैमिली को भी. वो ट्रैवल कहीं भी कर सकता है, कहाँ पर, इन इंडिया ओनली, इंडिया में कहीं पर भी. तो वो अमाउंट जो एग्जम्प्ट होगा, बट कितना होगा, टू द एक्सटेंट अमाउंट स्पेंड, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, राइट? तो हमें कंडीशंस जैसे देखेंगे, अगर जो जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या है, एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड फॉर द टू जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स. देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली कुछ ब्लॉक्स और ब्लॉक्स जो हैं वो सेट किए हैं, जो कि हर 4 साल में आते हैं, राइट? एंड मान लीजिए कुछ 4 साल है, जैसे देखिए जो 4 ईयर्स है वो देखिए इसकी ब्लॉक क्या है, देखिए दैट इज 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट ब्लॉक कब कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2009 को. तो ये 4 साल का एक ब्लॉक बन गया. अब इस ब्लॉक में जो है एम्प्लॉय को 2 जर्नी अलाउड है. आई रिपीट, गवर्नमेंट ने ये फिक्स जो है ब्लॉक्स बना रखे हैं, और एक ब्लॉक जो है 4 ईयर पीरियड का है, एंड द एम्प्लॉय बेसिकली अलाउड टू गेट एग्जेम्पशन फॉर ओनली 2 जर्नीज इन अ पर्टिकुलर वन ब्लॉक. ठीक है, एंड वन ब्लॉक इज इक्वल टू दैट इज 4 ईयर्स, राइट? जैसे देखिए इस ब्लॉक में वो 2 ब्लॉक ले सकता है, देन नेक्स्ट ब्लॉक में वो 2 साल की और ट्रिप की वो एग्जेम्पशन ले सकता है. तो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, राइट? बट याद रखना, ये जो ब्लॉक से ये फिक्स हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे देखिए नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो क्या होगा, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2014 से होगा, राइट? एंड एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2017. ठीक है, ऐसे ही वो चलता रहेगा, राइट? आगे देखिए लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स हैज़ टू बी टेकन एज अ पीरियड फिक्स्ड अंडर द एक्ट. दैट मीन्स ये एक्ट में फिक्स किया हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. आगे लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 2 जर्नीज एग्जेम्पशंस ऑफ 1 जर्नी कैन बी क्लेम्ड इन द कैलेंडर ईयर सक्सेडिंग द एंड ऑफ ब्लॉक. जैसे मान लीजिए आउट ऑफ 2 जर्नी, यानी मान लीजिए कोई एक जर्नी आपने एक ब्लॉक में ले ली, बस दूसरी जर्नी आपने नहीं ली, ठीक है, तो फिर आप जो सेकेंड जर्नी है उसका भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो. कब, एट द एंड ऑफ द सक्सेडिंग ब्लॉक इज इन द कैलेंडर ऑफ सक्सेडिंग. जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए अगर आप देखो कि जो नेक्स्ट ब्लॉक जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2014 से स्टार्ट होगा टू 31 दिसंबर 2017, राइट? ये 4 ईयर्स का एक ब्लॉक हो गया. अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने क्या करा, यहाँ पर मान लीजिए सपोज उसने 2017-18 में उसने एक जो है जर्नी, उसने एक ट्रिप जो उसने ले ली, ठीक है, और उसने एग्जामिनेशन भी ले ली. बट अब नेक्स्ट, अब एक ब्लॉक तो रह गया क्योंकि ये ब्लॉक तो खत्म हो चुका है,
सेवनटीन एटीन का ब्लॉक तो ओवर हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक स्टार्ट होगा वो देखिए कब से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स फ्रॉम 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट होगा टिल 31 दिसंबर 2021 तक होगा, राइट। तो वो इस ब्लॉक के स्टार्टिंग में, इस ब्लॉक के स्टार्टिंग देखिए क्या लिखा होगा, लैंग्वेज देखिए यहाँ पर क्या लिखी हुई है, आउट ऑफ द टू जर्नीज एग्जम्पशन ऑफ वन जर्नी कैन बी क्लेम्ड इन द कैलेंडर ईयर सक्सेडिंग द एंड ऑफ द ब्लॉक, दैट मीन्स इस ईयर, अब देखिए इस ईयर के बिल्कुल एंड तक 31 दिसंबर 2018 तक, इस ईयर कैलेंडर ईयर तक आप जो है इस ब्लॉक की अगर गन ले ली तो वो इस पीरियड में काउंट हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मान लीजिए इस ब्लॉक में आपने सिर्फ एक ही जर्नी आपने एग्जेम्पशन दी है, दूसरी आप लेना चाह रहे हो कि वो इसी जर्नी में कवर हो जाए, ठीक है आप चाहते हो इसमें भी मैं दो ले लूँ, ठीक है, बट इसमें आपने अब तक एक लिया है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है अगर आप सेकेंड जर्नी लेना चाहते हो तो जो नेक्स्ट ब्लॉक जैसे स्टार्ट होगा उस नेक्स्ट ब्लॉक के कैलेंडर ईयर के एंड तक आप अगर ने अगर वो जर्नी ले ली तो वो इसी ईयर में इसी ब्लॉक में काउंट हो जाएगी। मिस मर्जी आप चाहे इसी ब्लॉक में या इसी ब्लॉक में, मर्जी है आपकी, आप इस ब्लॉक में सकते हो, बट अगर मान लीजिए अगर आप 1 जनवरी 2019 ऑनवर्ड से नहीं ले सकते, इस ब्लॉक के लिए नहीं ले सकते, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर टू चिल्ड्रन बट एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन बोर्न बिफोर 1 अक्टूबर 1998। पहले क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो एग्जम्पशन जो है वो अलाउड है ओनली फॉर द टू चिल्ड्रन, बट आगे लिखा हुआ है कि अगर चिल्ड्रन की मतलब जो बोर्न है, ठीक है, अगर वो 1 अक्टूबर 1998 से पहले हुए हैं तो फिर हर चिल्ड्रन के लिए वो एग्जम्पशन अलाउड है, राइट। अच्छा आगे लिखा हुआ है, ऑल्सो इन द केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट वन एग्जम्पशन शैल बी गिवन फॉर द ऑल चिल्ड्रन। देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड हुआ, उसके बाद मान लीजिए ट्विंस हो गए, तो फिर सबकी मिल जाएगी इस केस में, राइट। तो ये थी आपके फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन टॉक्स अबाउट बेसिकली फॉर द ब्लॉक्स, राइट। देन सेकेंड है आपकी अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, यानी कि कितनी मिलेगी वो मैटर करती है। अब देखा हमने अमाउंट डिस्कस किया नहीं, तो अमाउंट क्या है, इफ जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एयर तो क्या होगा, द इकोनॉमी फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट शैल बी एग्जेम्प्ट। सपोज यू वॉन्ट टू ट्रेवल विद योर फैमिली, सपोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, राइट। जैसे देखिए ये इंडिया है, आप जो है दिल्ली से मुंबई में आप जाना चाहते हो, सो इसका जो शॉर्टेस्ट रूट होगा ना नेशनल कैरियर, यानी कि आपका जो है डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी होगी, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं डोमेस्टिक फ्लाइट, तो ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक ही लोगे, यहाँ पर गवर्नमेंट फिर भी लिख दे कि नेशनल कैरियर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ दिल्ली से लेकर इस पॉइंट से यहाँ तक आपको डायरेक्ट जो है फ्लाइट की जो आपकी जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही अलाउड होगा, और वो उसका उसका जो इकोनॉमी फेयर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली टू मुंबई, बट कैसे गए आप, पहले आप दिल्ली से गए, आप सपोज गए आप कोलकाता, फिर गए आप यहाँ पर, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। मीन्स डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, और उसकी जो इकोनॉमी जो फेयर क्लास होगी, ठीक है, उसकी जो टिकट की जो प्राइस होगा वो उतने की आपको एग्जिबिशन मिलेगी, राइट। देन बी पॉइंट इज दैट मीन्स बाय एनी मोड अदर देन एयर, अदर देन एयर मीन सपोज इफ यू आर गोइंग इफ यू आर ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, उस केस में क्या होगा, डेस्टिनेशन कनेक्टेड बाय अगर ट्रेन से है देन फर्स्ट ए सी फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट शैल बी एग्जेम्प्ट, फर्स्ट ए सी रेल, राइट। देन अगेन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल दैट मीन्स यू आर यूजिंग रोडवेज, सो उस केस में क्या होगा दैट यू शुड यूज रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसमें जो डिलक्स क्लास की जो टिकट होगी ना वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। इफ इट इज नॉट एग्जेम्प्ट इफ इट इज एंड इफ दी सपोज जो बस से जा रहे हो अगर वो रिकग्नाइज नहीं है, तो फिर जो फर्स्ट ए सी ट्रेल जो हमने यहाँ देखा ना फर्स्ट ए सी जो टिकट की उतना अमाउंट से आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दैट इज एल टी सी दैट इज लीव ट्रेवल कंसेशन विच कवर्ड अंडर सेक्शन 10(5), राइट। नाउ नेक्स्ट दैट इज मेडिकल परक्विजिट। देखिए इन द फर्स्ट लेक्चर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड मेडिकल अलाउंस एंड वी हैव सीन दैट द मेडिकल अलाउंस आर फुली टैक्सेबल, बट दिस इज द मेडिकल परक्विजिट दैट इज मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। तो वो ध्यान से देखना होगा,
पे पॉइंट दैट मीन इन इंडिया, दैट मीन्स आप जो है मीन्स आप जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर ने आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे इन इंडिया में, ठीक है, मीन्स कोई स्पेसिफिटी जिसके लिए आप मीन्स एम्प्लॉयर के लिए या फिर एम्प्लॉयर के फैमिली के लिए, तो जो बीमारी का जो इलाज चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, दैट इज इन इंडिया, ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है इंडिया में, राइट। तो देखो फर्स्ट लिखा है दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड और रीइंबर्स्ड ऑन एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एनी एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज फुल एक्सेंट विदाउट लिमिट फॉर ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट तो बोल रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर का खर्चा किसने किया है, या तो खुद एम्प्लॉय ने किया है या फिर रीइंबर्स किसने कर लिया, एम्प्लॉय ने कर लिया, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय ने खर्चा कर दिया, बेसिकली किसके लिए किया है, या तो एम्प्लॉय के या फिर एम्प्लॉय की फैमिली के लिए किया है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो वो टैक्स वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। बट इसमें कुछ कंडीशन है, ये देखिए ये मैं लिखे हुए हैं, पहले लिखा हुआ है ए पॉइंट मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मान लीजिए हॉस्पिटल रन कौन कर रहा है, वो एम्प्लॉयर खुद कर रहा है, ठीक है, तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उसकी फैमिलीज का इलाज जो है, तो अगर वो कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए फुल एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉय के लिए। देन हॉस्पिटल इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ऑथराइज है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मेंटेन बाय लोकल अथॉरिटी तो भी एग्जेम्प्ट, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉयज, देन अगेन CGHS। देखिए CGHS में क्या होता है, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट ने बोले है तो उसका जो है कुछ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करना होता, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटल CGHS में कवर हो रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑथराइज है, ठीक है, और CGHS में कवर हो रहा है, तो उस केस में पूरा पूरा उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। देन अप्रूव्ड फॉर अ स्पेसिफाइड डिसीज, ओनली फॉर ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज दैट कवर अंडर सेक्शन 35A, दैट मीन्स अगर कोई हॉस्पिटल जो है आप मीन्स एम्प्लॉय ने अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई स्पेसिफाइड डिसीज के लिए कुछ जो है ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया, और कौन सा हॉस्पिटल में गया जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज में कर रहा है, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है, या कैंसर स्पेशलिस्ट हो गया, अगर सिर्फ उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर के लिए ट्रीटमेंट चलता है, तो फिर उसके लिए वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, राइट। अच्छा, जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ दैट इज मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, ट्रिप अलाउंस, ये मैंने याद देने के लिए लिखा है कि ये दैट आर फुल्ली टैक्सेबल, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हम मेडिकल बेनिफिट पढ़ रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है इंडिया में, किसका चल रहा है, या तो एम्प्लॉय का या उसकी फैमिली का, पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट तब होगा अगर ये ए बी सी डी ई में इन सब में पॉइंट कवर होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंकर्ड और रीइंबर्स्ड फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज फुल्ली एग्जेम्प्ट विदाउट लिमिट। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को क्या करना है, मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है एम्प्लॉय ने, बट एम्प्लॉय पे नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, किसके लिए, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो चाहे वो उसकी फैमिली के लिए हो, तो वो जितना भी पे कर रहा है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के हाथ में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, राइट। देन कम टू थर्ड पॉइंट दैट इज एनी अदर हॉस्पिटल, एनी अदर हॉस्पिटल देखें, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा और सेकेंड पॉइंट में पढ़ा, एनी अदर हॉस्पिटल अगर कोई नर्सिंग होम या क्लिनिक है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ना कम टू बी पॉइंट, ए पॉइंट क्या पड़ता है, अगर इंडिया में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसका, एम्प्लॉय का या उसकी फैमिली का। अब हम पढ़ रहे हैं बी पॉइंट, दैट मीन्स अगर वहाँ से ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया जाना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, दैट मीन्स एम्प्लॉयर चाहे कितना भी रिइंबर्स कर रहा हो, हम सामने सिर्फ उतनी एम्प्लॉय को उतनी ही एग्जेम्प्शन मिलेगी जो आरबीआई परमिट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आरबीआई कितना परमिट करेगी वो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। देन एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट विद वन अटेंडेंट हु अकंपनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद द ट्रीटमेंट शैल बी टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। देखिए जो बी का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट टॉक्स अबाउट मेडिकल एक्सपेंसेस, बट सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय की देखिए अगर खुद ही अपना इलाज करने जा रहा है तो अकेला तो जाएगा नहीं, साथ में किसी फैमिली मेम्बर को लेकर जाएगा, ठीक है,
तो उस केस में उसका जो बाहर का रहने का जो खर्चा है, ठीक है, बाहर का रहने का जो खर्चा है, तो वो भी जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। देखिए जो मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, जो ये इसका जो बी पॉइंट है, दैट टॉक्स अबाउट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट द स्टे अब्रॉड एक्सपेंसेस, राइट। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए सेकेंड पॉइंट में कहीं पर बाहर रुकने के लिए, जैसे किसी होटल में या कोई भी अकोमोडेशन है, उसका खर्चा। बट यहाँ पर है थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट द ट्रैवल एक्सपेंसेस, आने जाने का जो खर्चा होता है, चाहे बाय एयर हो चाहे कैसे भी गए हो, तो उस खर्चे की बात हो रही है। ट्रैवल एक्सपेंसेस शैल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ जी टी आई डजेंट एक्सीड रुपीज 2 लाख, एक्सक्लूडिंग सच एक्सपेंसेस बट आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्सेबल मेडिकल एंड बोर्डिंग। इसके लिए देखिए मैं आपको अभी छोटा सा आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो बट हम पहले इस पे समझ लेते हैं कि फैमिली, अब तक हम पढ़ रहे थे कि भी फैमिली मतलब एम्प्लॉय और उसकी फैमिली, बट फैमिली में कौन कौन होगा? क्या सबको इंक्लूड करना है? चाचा, ताऊ, मामा, मामी, सब सबको? तो वो हमें यहाँ देखना है। तो ए पॉइंट में क्या बोला हुआ है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय वो कवर हैं फैमिली में, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। आई रिपीट, फैमिली के फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है मैंने? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। उस केस में हमें देखना नहीं है चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे नॉन डिपेंडेंट हो, तो वो फैमिली में के अंदर कवर्ड है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंडर मेडिकल परपजेज, राइट। बी पॉइंट, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द एम्प्लॉय, अगर वो डिपेंडेंट हैं तो ही फैमिली में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। अच्छा, ये फैमिली का जो पॉइंट है ये आपका दोनों में कवर हो रहा है। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज है, साथ साथ वो एलटीसी में भी, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा एलटीसी जर्नी से रिलेटेड, अगर वो कहीं पर घूमने जा रहा है अपने साथ किसी फैमिली के लिए जा रहा है तो फैमिली में कौन? तो फैमिली में ए और बी में आकर कवर्ड हो रहे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू विल हैव बेटर क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। रीड क्वेश्चन नंबर 25। द एम्प्लॉयर reimburses the following medical expenses, that means employer ने कुछ खर्चा किया on behalf of expenses, किस पे किया हुआ है? मेडिकल एक्सपेंसिस भी किया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि वेदर दीज फॉर एक्सपेंसिस आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय और नॉट। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रीटमेंट बाय एक्स, बाय हिज ट्रीटमेंट ऑफ एक्स एक्स कौन एम्प्लॉय, बाय हिज फैमिली फिजिशियन ऑफ रुपीज 8400। देखिए 8400 पैसा किसने दिया? एम्प्लॉयर ने दिया है, किसके ट्रीटमेंट के लिए? एक्स की। बट एक्स ने ट्रीटमेंट कहाँ करा है? किसी फैमिली फिजिशियन से। अब आप देखिए जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे क्या वो इस ए बी सी डी ई में हो रहा है? ना तो कोई, ना तो वो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर रन कर रहा है, ना हॉस्पिटल गवर्नमेंट से है, ना वो सी जी सी में कवर, ना कोई लोकल कुछ भी की बनी है। तो उस केस में जो 8400 अमाउंट होगा दैट वुड बी फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स इन अ प्राइवेट नर्सिंग होम। तो देखिए पहले देखिए मिसेज एक्स क्या फैमिली में कवर हो रही है? जी हाँ, हमने पढ़ा था स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट दे आर कवर अंडर फैमिली। आगे लिखा हुआ है कि मिसेज एक्स का जो बट जो इलाज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? प्राइवेट नर्सिंग होम में। सो वो भी नहीं होगा बिकॉज देखिए यहाँ पर मैं लिखवाया था, लिखा हुआ है सी वर्ड में एनी अदर हॉस्पिटल अदर देन फर्स्ट पॉइंट। अगर इलाज अगर कहाँ करें, नर्सिंग होम में या क्लिनिक में, तो दैट शैल बी टैक्सेबल। तो उस केस में ये अमाउंट भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मदर, अच्छा एक्स मदर की बात करिए, पेरेंट्स की बात करिए तो हमें दिखना है डिपेंडेंट होना चाहिए, लिखा हुआ डिपेंडेंट, ठीक है फैमिली के अंदर कवर्ड है। अमाउंटिंग रुपीज 2400 बाय अ प्राइवेट डॉक्टर आ गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए वैसे तो फैमिली में कवर्ड हो रहा है वो बात ठीक है, बट दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले चेक करना है कि जिसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो फैमिली के अंदर कवर्ड है या नहीं है, अगर वो कवर्ड है फिर देखना है कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर हो रहा है। तो ये लिखा हुआ बाय प्राइवेट डॉक्टर तो वो तो अलाउड ही नहीं है, सो दैट मीन्स 2400 भी टैक्सेबल। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ब्रदर, अच्छा ब्रदर के लिए हमें देखना है कि डिपेंडेंट होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट डिपेंडेंट, सो दैट मीन्स इन दिस केस 800 ऑल्सो टैक्सेबल। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ग्रैंडफादर, देखिए हमने फैमिली के जो लिस्ट देखी थी उसमें तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा नहीं था, तो वैसे लिखा नहीं था तो उसको मानेंगे भी नहीं,
सो दैट मीन्स इस केस में जो भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द एम्प्लॉयर रीइंबर्सेस एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹6,000 पेड बाय एक्स अंडर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एक्स एंड वाई। सो दैट मीन्स एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम का, किसके लिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एंड उसकी वाइफ के लिए, ठीक है। तो फैमिली में कवर्ड हो रहा है वाइफ, तो सो दैट मीन्स दिस 6,000 इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। नंबर मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ हॉस्पिटल फॉर द एम्प्लॉयज वेयर दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट। द एक्सपेंसिस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड दिस आर एम्बर। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें ऊपर हम बता दिया कि हॉस्पिटल कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ये तो कंडीशन फुलफिल होगी। अब हमें चेक करना है कि फैमिली में कवर हो रहे नहीं हो रहे, एक्स को यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स एंड चिल्ड्रन है तो हमें देखना है डिपेंडेंट है, तो फिर ये 4,400 का जाएगा एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स खुद का ही हो रहा है एम्प्लॉय का, सो दैट मीन्स 10,400 वुड बी एग्जेम्प्ट। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स छोटे पापा तो वो तो फैमिली की लिस्ट में है नहीं, सो दैट मीन्स 9,200 वो भी टैक्सेबल। देन ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स स्पाउस है कवर इन फैमिली, सो 60,000 वुड बी एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विदाउट सिस्टर, सिस्टर हैं तो ब्रदर सिस्टर के लिए क्या पड़ता, डिपेंडेंट होना चाहिए, सो 8,200 वुड बी एग्जेम्प्ट। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स हैंडीकैप नेफ्यू, देखिए नेफ्यू लिस्ट में नहीं है, चाहे कोई भी हैंडीकैप हो या कोई भी नहीं हो, सो 5,000 वुड बी टैक्सेबल, राइट। चलिए नाउ टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर सन, एक्स मेजर सन की बात हो रही है, सन की बात हो रही है तो फैमिली के अंडर काउंट हो रहे हैं। आउटसाइड इंडिया, अच्छा आउटसाइड इंडिया में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वर पेड बाय द एम्प्लॉयर, क्या क्या पे करा है एम्प्लॉयर ने? मेडिकल एक्सपेंसेस 1,50,000, एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ एक्स सन 130, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ एक्स सन एंड एक्स ब्रदर दैट इज 20,000 एंड दीज आर ऑल एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई। आगे लिखा हुआ है अज्यूम दैट अदर इनकम ऑफ एक्स, पहले दिया हुआ है 120 एंड बी पार्ट में दिया हुआ है 180, इंक्लूडिंग इनकम अंडर हेड सैलरी एक्सक्लूडिंग द अबव टैक्सेबल परपजेस। ओके, ये पॉइंट देखिए, मैं स्पेशली जो क्वेश्चन है ये मैंने इस पॉइंट के लिए बनाया है जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए देखिए स्पेशल मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपका सॉल्यूशन करना किस तरीके से आपको वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, पहले तो देखिए इनकम ले लेते हैं 120, राइट, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर इनकम 1,20,000, राइट। सो देखिए किसके लिए है, एक्स की मेजर सन के लिए तो वो तो डिपेंडेंट है ही, बट हमें देखना है कि मेडिकल एक्सपेंस, देखिए वैसे एक्चुअल खर्चा कितना 150, बट आरबीआई ने कितना परमिट किया, सिर्फ 120, तो उस केस में देखिए, तो अगर हम देखिए हमने देखिए ये पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कितना एग्जेम्प्ट होगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई, तो जितना उसका एक्सटेंट होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, राइट। सो इस केस में देखिए यहाँ पर कैसे करना आपको, एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ कितना 150, बट परमिटेड बाय आरबीआई दैट इज 120, सो दैट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस दैट इज 30,000, राइट। देन एक और था हमारा एक्चुअल स्टे अब्रॉड एक्सपेंसेस, वो देखिए कितना था, दैट इज 130, बट आरबीआई ने कितना परमिट किया, ओनली 90,000,
सो दैट मीन्स 130 माइनस 90,000 दैट इज इक्वल टू 40,000 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा इस केस में मैं इनकम यहाँ नहीं लिखता बिकॉज ये तो दोनों ही केसेस में आपका टैक्सेबल होगा, चाहे इनकम कुछ भी, इनकम से तो मैटर ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस एंड स्टे अब्रोड, इसका इनकम से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, इनकम से मतलब किसका है, थर्ड पॉइंट से, दैट मीन्स रिलेटेड टू ट्रैवल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बाकी मेडिकल एक्सपेंस रिलेटेड, सॉरी ट्रैवल एक्सपेंस रिलेटेड। ट्रैवल एक्सपेंस में हम पढ़ रहे हैं पहले हम 120 से रिलेटेड, यानी कि इनकम अगर कितनी है 120 है, राइट। सो देखिए यहाँ पर खर्चा कितना हुआ है 20,000 का। ठीक है, 20,000 का खर्चा हुआ है, तो अब देखिए क्लास इसके लैंग्वेज और ध्यान से पढ़िए, लिखी क्या है, ट्रैवल एक्सपेंसिस शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट इफ जीटीआई ग्रॉस नेट इनकम डजंट एक्सेस 2 लाख, यानी कि अगर जीटीआई 2 लाख से एक्सीड कर गई तो फिर जितना खर्चा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर पूरा पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं जरा एक बार करना कैसे, देखिए इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट दी जीटीआई, तो जीटीआई आपको निकालनी कैसे वो देखना आपको। ठीक है, देखिए अदर इनकम कितनी है इस केस में, दैट मीन्स 120 तो अदर इनकम ही है, राइट। एंड उसमें देखिए लास्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या लिखा क्वेश्चन में, यहाँ देखिए अज्यूम दैट अदर इनकम इंक्लूडिंग अंडर इनकम अंडर सैलरी एक्सक्लूडिंग अबव टैक्सेबल परपजेस, यानी जो टैक्सेबल परपजेस है वो एक्सक्लूडिंग, तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड करेंगे, टैक्सेबल प्लस स्टे अब्रोड एक्सपेंसेस वो भी ऐड करेंगे, दैट इज 30,000 एंड 40,000, टोटल इज 1,90,000। ये क्या आ गया, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम। अब देखिए सिंस इन दिस पॉइंट द जीटीआई इनकम नॉट क्रॉसिंग ₹2 लाख, सो इन दिस केस जो 220,000 जो रुपीज एक्सपेंड हुआ था वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो इस केस में आपका यहाँ देखो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 वुड बी एग्जाम्ड, राइट। अब देखिए इसी का हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ट्रैवल एक्सपेंस हम निकाल रहे हैं टैक्सेबल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इफ द अदर इनकम इज 1,80,000। तो देखिए अदर इनकम कितनी है, 180 एंड इन सबको ऐड करेंगे दैट मीन्स 70,000 ओवर ऐड हो जाएगा, सो दैट मीन्स टोटल इनकम इज दैट इज 2,50,000, राइट। तो इस केस में देखिए ट्रैवल एक्सपेंसेस इतना हुआ 20,000, तो क्या वो टैक्सेबल होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि जीटीआई इनकम जो है वो 2 लाख से एक्सीड करेगी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी ऐड बैक करेंगे, दैट इज ऑफ ₹20,000, तो टोटल कितनी इनकम आ गई, दैट इज 270, तो ये टैक्सेबल हो गया ना, इसे तो ऐड करा, राइट। सो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी वेल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ परचेज, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, एंड दिस इज द फाइनल लास्ट परचेज। ठीक है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सो बहुत ध्यान से दीजिए। हम क्या करें, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, देखिए याद होगा हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट इज मूवेबल एसेट्स, राइट। तो मोटर कार भी एक मूवेबल एसेट है, बट मैंने आपको बताया था मोटर कार को हम अलग से पढ़ेंगे, तो आज वो टाइम आ गया है, तो उसको देखिए अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप सैलरी का चैप्टर पढ़ोगे मोटर कार से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके मैंने लगा लो 80% चांसेस आपके आते जाते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा आप इसको आप अच्छे से समझो, क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, यानी कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी दे दी,
ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा सकता है, क्या वो जो गाड़ी दी है क्या वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है, क्या वो पार्शल एग्जम्प्ट है या पार्शल टैक्सेबल है, या फुल एग्जम्प्ट है या फुल टैक्सेबल है, वो सब देखना है, राइट। तो इसके देखिए दो आपके केसेस हैं, फर्स्ट वन दैट इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज बाय एम्प्लॉय, दैट मीन्स एम्प्लॉयर की अपनी दैट मीन्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, दैट मीन्स एम्प्लॉयर की खुद की गाड़ी नहीं है, उसने खुद जो गाड़ी जी किराए पर लिया है ठीक है और एम्प्लॉय को दे दी, दैट मीन्स यूज बाय एम्प्लॉय। एंड सेकेंड वन इज दैट इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉय एंड यूज बाय एम्प्लॉय बट एक्सपेंसिस आर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि सेकेंड केस में क्या है, दैट मीन्स या तो एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की अपनी खुद की गाड़ी है या अपने किराए पर ली है, बट उसका खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। देखिए जो फर्स्ट केस है उसमें गाड़ी जो है एम्प्लॉयर की या तो खुद की हो सकती है एम्प्लॉयर की या फिर किराए पर ली है, बट वो गाड़ी यूज़ करने के लिए एम्प्लॉय को दे दी। और जो सेकेंड केस है यानी दिस वन, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय की यानी एम्प्लॉय खुद की गाड़ी है या फिर किराए पे है, बट उसका खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है ठीक है। तो दोनों केस में देखना है कि क्या क्या टैक्सेबल होगा और क्या क्या एग्जम्प्ट होगा। तो पहले हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज्ड बाय एम्प्लॉय। देखिए मैंने ये चार्ट बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सो देखिए ध्यान से देखिए, ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज्ड बाय एम्प्लॉय, दैट मीन्स गाड़ी जो या तो एम्प्लॉयर की है या फिर इसको हायर किया है बट इसको यूज़ करने के लिए एम्प्लॉय को दे दिया गया है, राइट। अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि जो टैक्सेबल अमाउंट निकालना है वो दिखना है कि इसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट है दैट मीन्स एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पज़, अगर ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है फिर तो कोई टैक्सेबल की बात ही नहीं है, पूरा पूरा एग्जम्प्ट होगा ठीक है, टैक्सेबल कुछ होना ही नहीं है। अब लिखा हुआ है सेकेंड वन इज दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्राइवेट, प्राइवेट है तो फिर क्या होगा, उसके दो टाइप के खर्चे जो हैं एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो गए। कौन कौन से खर्चे होंगे, एक तो रनिंग एंड मेंटेनेंस, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होंगे, प्लस गाड़ी की जो कॉस्ट होगी ठीक है, गाड़ी की जो कॉस्ट होगी उसके 10% वैल्यू पर एनम आफ्टर डेप्रिसिएशन वो जो है टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। आई रिपीट, अगर केस है एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट पर्पज, यानी कि एम्प्लॉय ऑफिस के लिए यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ अपने ही प्राइवेट के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, या फिर एम्प्लॉयर उस पर गाड़ी का खर्चा दे रहा है तो टैक्सेबल तो एम्प्लॉय के हाथ में होना चाहिए। तो उस केस में गाड़ी का जितना भी रिपेयर है मेंटेनेंस खर्चा कौन टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, एम्प्लॉय के हाथ में होगा, प्लस गाड़ी की जो कॉस्ट होगी, गाड़ी की जो कॉस्ट होगी वो कैसे निकालेंगे, दैट इज एट द रेट 10% पर एनम ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पार्शली ऑफिशियल और पार्टली पे पार्टली पर्सनल, यहाँ रखिए जो है फंस जाता है, और मैक्सिमम केस देखिए आपके एग्जाम में इस टाइप के आते हैं, मीन्स 99% केस आपके ये आएंगे, तो वो ध्यान से देखना आपको पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सन। तो क्या होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय, यानी कि रनिंग एंड मेंटेनेंस पे कौन कर रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस इस केस में पे कौन कर रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, पर ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज बाय एम्प्लॉय, इसका हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स गाड़ी जो है पार्टली ऑफिशियल के लिए यूज़ हो रही है एंड पार्टली पर्सनल के लिए यूज़ हो रही है। अब इसके पास हम दो केस देखना है कि इसका रिपेयर और मेंटेनेंस जो है कौन पे कर रहा है, या तो एम्प्लॉय पे करेगा खुद या तो एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है ठीक है, एम्प्लॉय कर रहा है तो इस केस में देखना है कि कार की हमें क्यूबिक कैपेसिटी देखनी है, अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है सो 18 पर मंथ वुड बी टैक्सेबल इन दी सॉरी सॉरी दिस इज येस दैट वुड बी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर गाड़ी का सीसी जो है अप टू 1.6 लीटर रहता है सो दैट मीन्स 1800 पर मंथ वुड बी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर 1.6 लीटर से एक्सीड हो जाती है तो फिर 24 पर मंथ वुड बी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। एडिशनल जो है वो 900 भी लगेगा जो कि किसका है, शॉफर का, ड्राइवर का, अगर वो भी प्रोवाइड करके दिया हुआ है तो 900 पर मंथ जो है वो भी जो है टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ केस में क्या बैठे, दैट मीन्स गाड़ी जो है पार्टली ऑफिशियल पार्टली
पर्सन के लिए, एंड रनिंग एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, अच्छा गाड़ी किसकी है? या तो गाड़ी खुद एम्प्लॉयर की है, या तो गाड़ी उसने एम्प्लॉयर ने हायर करके एम्प्लॉय को दी हुई है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इज दिस केस इट इज एम्प्लॉय, दैट मीन्स रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉय, बट गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। तो इसमें देखना है, यानी कि अगेन अगर गाड़ी की अप टू क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है, तो 600 पर मंथ वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उस एक्सीड कर रही है, देन 900 पर मंथ वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एंड शोफर के चार्जेस फिक्स हैं, दैट इज 900 पर मंथ, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है, सो ये हमने फर्स्ट केस देखा, दैट मीन्स व्हेन द कार इज ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर बट यूज्ड बाय एम्प्लॉय। नाउ कम टू द सेकंड, दैट मीन्स ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉय, यानी कि या तो एम्प्लॉय खुद की गाड़ी है या उसने किराए पर ली है, बट उसका खर्चा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय पे कर रहा है। अगेन गाड़ी देखनी पड़ेगी किस पर्पज़ के लिए यूज हो रही है, अगर ऑफिशियल के लिए तो फिर नील, अगर प्राइवेट के लिए यूज हो रही है तो फिर जित एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर तो वो टैक्स हो जाएगा किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में। ठीक है, अब बात हो रही है पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। अब इसमें दो केस हो जाएंगे, एक तो आपने पढ़ ही लिया ऊपर सेम है ये, देखिए पार्टली ऑफिशियल राइट साइड देखिए, अप टू 1.6 लीटर सीसी तक 1800 प्लस 900, एक्सीडिंग 1.6 लीटर सीसी 2400 पर मंथ, पर मंथ होगा ये, एंड 900 पर मंथ फॉर शॉफर। ठीक है, अच्छा वार्ड लिखा है मैंने और, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में कुछ और भी है, क्या है? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर लेस एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू ऑफिशियल यूज इफ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। देखिए जो लेफ्ट साइड है ना, ये आपका तब एप्लीकेबल होगा अगर सारी कंडीशन एबल हो। मतलब क्या है, लिखा क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हो, आपकी खुद ही गाड़ी है, उसका खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। मान लीजिए एम्प्लॉयर आपको दे रहा है सपोज 5000 पर मंथ, पूरे साल के तौर पर 60,000, राइट। अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपने उस गाड़ी का यूज़ ऑफिशियल प्रोफेशनली कितना यूज़ किया है, उसमें से कितना कितना खर्चा है, तो आप वो माइनस कर दो, रेस्ट ऑफ देम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ योर्स। बट वो केस कब होगा? जब आप साबित कर पाओ कि आपने ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी की खर्च गाड़ी के लिए कितना कितना यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? दो कंडीशन पर, द एम्प्लॉयर हैज़ मेंटेन, एम्प्लॉयर हैज मेंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी अंडरटेकन फॉर ऑफिशियल पर्पज, विच मे बी इंक्लूड डेट ऑफ जर्नी, डेस्टिनेशन, माइलेज एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड देयर ऑन। पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। सेकेंड, द एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑनली। तो देखिए ये वाला जो केस ना, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सही बताऊँ तो क्वेश्चन गिवन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑलवेज अप्लाई दिस, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, दैट मीन्स कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, तो उस केस में तो आपको इसी केस में जाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द केस, अगर गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय खुद की है, बट उसका खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ benefits, right? So class, with this we have finished this chapter, that is income under head salary. Okay, so class, I hope you have understood very well.